अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اسٹیج پر تشریف فرما معزز مؤقر علماء کرام بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب مولانا محبوب صاحب دیگر علاقے کے معزز احباب اسٹیج پر بیٹھی ہوئی معزز اور باوقار ہستیاں گھسیا گھاٹ
ज़िला कटिहार और उसके क़ुरबो जवार से अतराफ़ो अकनाफ से आए हुए मुआज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, एक तरफ किनारे में बैठी हुई इस्लामी ख्वातीन पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तकबिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, कुछ दिन पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद 26 अक्टूबर का ये प्रोग्राम घसिया घाट की सरज़मीन पर नहीं हो सकेगा, बल्कि सच कहूँ तो मेरे पास दूसरे ज़राए से ये ख़बर भी आ चुकी थी कि घसिया घाट का प्रोग्राम बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। ज़िम्मेदारान से जब बात हुई, मौलाना महबूब साहब से भी राब्ता किया, तारीख को आगे बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन आगे मेरे पास वक्त नहीं था और यहाँ ये परेशानी थी कि जिस जगह जलसा होना था पूरा का पूरा, पूरी की पूरी वो ज़मीन में पानी भर गया और अभी भी चलते वक्त और स्टेज पर पहुँचते वक्त मैंने महसूस किया। यकीनन आप लोगों ने बड़ी मेहनत की और अपनी मुतय्यना तारीख पर उस जलसे का इंतज़ाम कराया, कुछ परेशानी ही उठाकर सही, एक्स्ट्रा कुछ रुपया खर्च करके ही सही, लेकिन ये काबिल मुबारकबाद कदम है जो आपने उठाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस हिम्मत को, हौसले को मज़ीद जिला बख्शे और इस इजलास को जिस मकसद के तहत ये किया गया उस मकसद में इस इजलास को कामयाब फरमाए। मौलाना तौहीद साहब ने भी गुजारिश की, इनसे पहले भी उलमाए किराम ने इस इदारे के लिए जिसके लिए ये जलसा रचाया गया तआवुन की अपील की। दौरान खिताबत मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद जो ख़र्चा आया मिट्टी डालने में, रास्ता बनाने में, ये इसकी भरपाई आप ही को करना है। हम और आप जब तक मदरसों का तआवुन नहीं करेंगे, मदरसे बंद हो जाएंगे। तौहीद साहब ने बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बात कह डाली, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि दौरान खिताबत भी और बीच में अगर कोई कपड़ा लेकर आपके पास जाए तब भी ये सोच कर कि बारिश की वजह से इस जलसे पर थोड़ा सा ज़्यादा बोझ बढ़ गया है तो आपको उसमें हाथ बटाना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसकी तौफीक दे और हमारे उस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कबूल फरमाए, हमें अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को जहाँ बहुत सी खूबियों से नवाजा है, वहीं पर इस्लाम को एक अजीम खूबी ये दी है कि इसको दीन रहमत बनाया है। जो शख्स इस्लाम का जितनी अमीक नज़रों से
जितनी गहरी नज़रों से इस्लाम का मुताला करेगा उसके सामने परतें खुलती चली जाएंगी और उसको ये महसूस होगा कि इस्लाम से बढ़कर दीन रहमत कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं। जिस मज़हब का नाम इस्लाम हो और उस इस्लाम का माना ही सलामती वाला हो तो उस मज़हब के अंदर कितनी सलामती होगी ये उसके नाम से ही ज़ाहिर हो जाता है। और फिर इस इस्लाम की कमान, इस इस्लाम की बागडोर, इस इस्लाम का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में दिया है उस हस्ती का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उस नबी की शान में भी ये कह दिया हो और जहाँ बहुत सी खूबियों का जिक्र किया वहाँ एक बड़ी खूबी ये बता दी हो कि आप को हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम भी सलामती वाला, रहमत वाला, और इस्लाम को हम तक उसकी असली शक्ल हूबहू उसी अंदाज से पेश करने वाली हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी रहमतुल लिल आलमीन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम की रहमत कितनी अजीम होगी। अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया लकद जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इससे अजीम आयत और क्या हो। नबी अकरम के सिलसिले में जो खूबी बताई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर आ चुके हैं तुम्हारे मध्य, तुम्हारे बीच, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ ला चुके हैं लकद जाअकुम रसूल मिन अन्फुसिकुम जो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। उनकी नस्ल, उनकी जिन्सियत तुमसे अलग नहीं है। तुम इंसान हो, वो भी इंसान थे। तुम खाते पीते हो, वो भी खाते पीते। तुम चलते फिरते हो, वो भी चलते फिरते थे। तुम शादी और ब्याह करते हो, उन्होंने भी शादी और ब्याह किया। तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, उनके बीवी भी बच्चे थे। तुम्हें खुशियां पहुंचती हैं, तुम्हें गम पहुंचते हैं। उनको भी खुशी पहुंचती थी, उनको भी गम पहुंचता था। तुम्हारे हाथ पैर हैं, उनके भी हाथ पैर हैं। अलगर्ज दुनिया भी जितनी जरूरियात के तुम मोहताज हो, वो भी दुनिया भी उन तमाम जरूरियात के मोहताज। हमने उनको तुम्हारे जिन्स से अलग नहीं किया है। तुम्हारी कास्ट और तुम्हारी बिरादरी से हमने उनको अलग नहीं किया। लकद जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम तुम्हारे दरमियान जो पैगंबर तशरीफ लाए, तुम्हारे दरमियान जो रसूल हमने भेजे हैं वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने फिरने में, शादी और ब्याह में, दुख और बीमारी और खुशी और गम में, सब में वो तुम्हारे ही जिन्स से हैं।
عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی نرم خو ہیں مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی مہربان ہیں مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم کچھ الگ قسم کا ہے عزیزٌ علیہ ما عنتم تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس نبی کے اوپر گرا گزرتی ہے مومنوں کے فائدے کے بڑے حریص اور متمنی رہتے ہیں تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کی اوپر بہت شاق گزرتی ہے تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں عزیزٌ علیہ ما عنتم حریصٌ علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم ہاں غور سے سنو تمہیں تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں تمہارے فائدے کے بڑے حریص رہتے ہیں تمہاری تکلیف ان کی اوپر شاخ بن کر گزرتی ہے مومنوں کے لیے وہ بڑے حریص ہیں بڑے متمنی ہیں مومنوں کو کسی چیز کا نقصان نہ پہنچے اس بات کے وہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں قرآن کریم نے ایک نقشہ کھینچ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عزیزٌ علیہ ما عنتم حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کتنی چیزیں بتائی گئیں پہلی چیز وہ تمہاری جنس سے ہیں اس میں کیا شک ہے ہم اور آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ بھی کھاتے اور پیتے تھے ہم اور آپ سامان خریدنے بازاروں میں جاتے ہیں نبی اکرم بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے یہی تو اختلاف تھا عرب کے کافروں میں